आप सब वेलकम टू हुरम कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ खरबूजे का शरबत, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर के तैयार होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने साबूदाने को आधी कटोरी साबूदाने को भिगो दिया था अच्छे से। उसके बाद इसे हमने गैस पर रख दिया पकने के लिए। साबूदाना जब तक पक रहा है इधर साबूदाना पक चुका है। अभी इसे छन्नी में छान लेंगे, इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है सारा निकाल देंगे। इसी छन्नी में डाल देंगे इस तरीके से। नीचे एक बाउल रख देंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे, ताकि साबूदाना अलग और पानी अलग हो जाए। अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो साबूदाना एक दूसरे में जुड़ जाएगा, फिर अलग नहीं होता है, फिर एकदम चिपचिपा सा, क्योंकि हमें दानेदार चाहिए, तो इसलिए इसमें पानी डाल करके इसे साफ़ कर लेना है। उसके बाद मैंने खरबूजे को कट कर लिया है। जार में लेने के बाद इसमें ले लिया है थोड़ा सा शक्कर, मिल्क मेड, दूध डाल करके इसे पीस लेंगे। इसे पीस लेना, ये रेडी हो चुका है। अभी मैंने दूध लिया है, दूध में मैंने शक्कर ऐड कर दिया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, सूट नहीं हो पाया उस वक्त। तो दूध में शक्कर आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको मीठा चाहिए शरबत में। उसके बाद मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार कर लेना है। दूध बॉयल हो चुका है, शक्कर भी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डाल करके चलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। 5 मिनट तक इसे पका लेना है। थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है। हमें ज़्यादा इसका थिकनेस नहीं चाहिए, बस एक पतला सा घोल तैयार करना है इस तरीके से। तो मैंने सारा डाल दिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, चलाते रहेंगे कंटिन्यू। उसके बाद इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद दूध में जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था वो डाल देना है, साबूदाना डाल देना है, सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। बनाना बहुत ही इजी है, इजी तरीके से बनकर के तैयार हो जाता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा व्यूवर्स। इतना इतना पतला हमें रेडी कर लेना है इसे, ज़्यादा इसे थिक नहीं करना है। तो ये रेडी हो चुका था, इसे हमने ठंडा कर लिया है। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था खरबूजे का, उसमें ऐड कर देना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है, फिर साबूदाना ऐड कर देना है। खरबूजे का शरबत तैयार हो चुका है। अब रमज़ान में एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन करके तैयार होता है। जब आपको पीना है, इस तरह की तरीके से बना करके रख लें, जब आपको पीना है तो इसमें आइस क्यूब्स डाल करके आप इंजॉय कर सकते हैं। साबूदाना को ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। तो
मैं आपको गिलास में निकाल करके दिखा रही हूँ। खरबूजे का मिल्क शरबत बन करके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।